मस्ती को लो बच्चे तो कहाँ गया था मेरे बच्चा। तो फ्रेंड्स अभी गीत ने कुछ बनाया है और वो पापा को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। देखो फ्रेंड तीनों बच्चे अभी से लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे अच्छे होंगे। कुछ दिनों से व्लॉग सही तरीके से नहीं बन पा रहे थे, कुछ स्ट्रेस चल रहा था या है हमारे बीच में। कोशिश करते हैं हम हमेशा रिजॉल्व करने की। तो आज फिर नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं। और अभी नाश्ता हो चुका है, आज ब्रेकफास्ट में था पोहा, वेजिटेबल पोहा आप कह सकते हैं। वेजिटेबल पोहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आज से स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट की है, इसलिए मैंने पराठा नहीं बनाया। क्योंकि यार तीन चार सबके लिए अलग अलग बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी मैं गीत के लिए स्कूल के लिए बना रही हूँ मेथी के पराठे। ओ भैया, ये बच्चे इधर घूमते रहते, एक उधर पहुंच गई, आने का नाम नहीं ले रही, एक मेरी पूछड़ी यहाँ बैठ गई, दिल की टुकड़ी। मस्ती को लो बच्चे तो कहाँ गया था मेरे बच्चा? ऐसा हुआ था, कैसा हुआ था? मी दादा रानी मुंह में हाथ लेता है मेरा बच्चा मुंह में हाथ लेता है। क्या खाएगा आज? आज क्या खाएगा? काना वाना गुरु क्या खाएगा? क्या खाता है घी? अब तो क्या खाता है? अब ग्लास से पिए आप हम पानी मम्म सब ग्लास से पियेंगे कुछ चुड़े। मी ताजा बेटा, इधर उधर चीजें मत उठाओ खाने के लिए, है ना? आ जाओ, खाना बनाएंगी मम्मा। मीत आ जा बेटा, सब कभी सफाई नहीं हुई है यार, लोग के लिए बड़ा डर रहता है, कुछ उठा खान लग जाते हैं। और ये यहीं खड़ा रहता है, यहीं ऐसे ही खड़ा रहता है ये बच्चा। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बोला था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम का चांस मिला है, तो वो काम मैंने स्टार्ट किया। मतलब जेन्युइन था, मुझे पैसे भी मिलते हैं, बट वो रिसर्च वर्क था, तो ऑब्वियसली पैसे फ्री में तो कोई देता नहीं है, मेहनत लगती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है रिसर्च का। मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर अगेन मैं फेल हो गई, तो मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं टाइम पर प्रोजेक्ट दे पाऊँ बच्चों के साथ। रात को बच्चा 11 बजे सो रहा है, 11 से 1 में पहली स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, स्टार्टिंग में तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जब तक मैं यूज्ड टू नहीं हो जाऊँ उस काम के, तो मैं नहीं कर पाई दोस्तों। आई फेल्ड। तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉपी काम मिलते रहते हैं, बट यही है कि अभी जो मेरा कर्मा है, फिर मैंने सोचा यार सबकी कुंडली देखते हैं, अपना भी जरा माल्या जी से पूछा जाए। तो वो एक्चुअली क्या होता है राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में, देखो मेन कुंडली के अलावा बहुत कुछ होता है कि अभी गोचर में कौन कहाँ है। तो हमने देखा गोचर में शनि की दृष्टि मेरे बच्चों के हाउस में पड़ रही है, तो उस हिसाब से मुझे बच्चों से रिलेटेड कर्मा करना चाहिए, तो मैं शायद वही कर रही हूँ। ब्लॉग में भी जब बच्चों के इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या बच्चों को दिखा रही हूँ आपको, तो चल रहे हैं, वही मेरा कर्मा है शायद। ब्लॉगिंग का समझ नहीं आता कि ये हमारे लिए बनी भी है या नहीं बनी है। फिर मालवे जी कहते हैं रचना कंसल्टेशन का ही तेरा अच्छा है, कुंडली कंसल्टेशन देती है या मैं देती हूँ या मालवे जी देते हैं, अच्छा जाता है, लोगों को हेल्प होती है। कल ही मैसेज आया था कि 80% काम हो गया है मैम, मैंने कहा 100% हो तभी मैसेज करना, नहीं तो फिर डर लगा रहता है। तो मज़ा तो आता है फ्रेंड्स, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, एक घंटे दो घंटे हम देते हैं और फिर फ्री में हम कब देख सकते हैं, जब हम फ्री हो ना वो बात होती है। फ्री में भी देख ही रहे पर फ्री की लाइन लग जाती है, पेड वालों को पहले प्रेफरेंस देना पड़ता है ना, दुनिया तो यही है, 2024 में तो यही होता है, सालों पहले भी फ्री में चीज़ें नहीं मिलती थी। ठीक है, अभी मुझे और सोचना पड़ेगा क्या करना है। गीत का पराठा बन गया है, सबने नाश्ता कर लिया था, टिफिन लगा देती हूँ उसको। बेटा पूछो सबसे कि आपको हमारे व्लॉग में क्या अच्छा नहीं लग रहा है। हमने मम्मा ने देखे कईयों के व्लॉग मिलियंस जाते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मैं नॉर्मल हाउसवाइफ मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। तो हमारे में इतना क्या है, मुझे तो पर्सनली अपना कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगा मैंने जो देखे फेसबुक वगैरह पे, तो पता नहीं उन लोग के मिलियन क्यों जा रहे हैं, हमारे तो 1000 व्यू भी नहीं आ रहे, हम में क्या गलती हो रही है।
तो हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं हर एक चीज करने में और हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, 1:30 बज गए, गीत को लाना है। दिन भर वही बेसिक काम था, झाड़ू पोछा, बच्चों की मालिश, बच्चों को नहलाया, नहला के आज बच्चों के लिए बनाया था मैंने मिक्स दाल बनाई थी। डोंट गो। तो इनको अच्छे से मिक्स दाल खिलाई, उसके बाद मैं नहाई हूँ और अब मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, हो पाती इन बिटवीन तो। और आज से मैं स्ट्रिक्ट डाइट मैं फॉलो करूँगी आप लोगों के सजेशंस पे, जो भी है सबने यही कहा कि वर्क से ज़्यादा तो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो आप। तो ठीक है, अभी हेल्थ पे ध्यान देती हूँ और इन लोग को 2 हैवी मील ही खिला पा रही हूँ। आपके घर में अगर कोई सपोर्ट हो, क्योंकि अब 9 महीने के हो गए, जिनके घर में सपोर्ट है वो 4 मील खिला सकते हैं इन बिटवीन फ्रूट्स या कुछ 2 एक्स्ट्रा खिला सकते हैं। मैं 2 हैवी मील ही खिला पा रही हूँ, एक सुबह 12 बजे करीब और एक शाम को 6-7 बजे करीब, और बीच में जैसे हम रोटी खाते हैं या टोस्ट खाते हैं तो दे देते हैं हम। मीत सो गई है, ये रितुड़ी जग रही है अभी, इनका क्या खा रहा बेटा, इनको वैक्सीन लगवानी है हमको। तो जब भी मालवा जी ऑफ लेंगे फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ जैसा भी होगा, फिर इनकी वैक्सीन लगवानी है। भाई दीदी आ गई है, भग रहे हैं। दीदी आ गई, आ जा। तो दीदी इधर देखो, रीत दीदी इधर देखो, टमाटर चल रहा है। और मम्मी ने बहुत अच्छी दाल बनाई है दोस्तों, देखो ये बनाया रचना ने मेरे लिए और खुद के लिए उसने आज वो ये रोटी एक्चुअली, और ये बहुत बड़ी रोटी है मेरे लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए अचार है, वो नहीं खा रही अचार, और पपीता भी खाएगी दिन में। अभी डाइट पे से पता चला, एक रोटी गीत के लिए और एक बड़ी वाली मेरे लिए। अच्छी बात है, दो खा लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। नहीं ले आओ, फिर हम बाहर बेबी को लेके चलते हैं। रीत आ जा। मिस हो गई दोस्तों, बजे 2:15 खाना खाने आए हैं वो, बस फिर खाना खा के निकल जाएंगे। हालत खराब हो रखी है, क्यों हो रखी है, कैसे हुई है पता नहीं। तो क्या क्या आप गंदे बने हुए, नहीं हटेगा, वो भी खेलेगा ना, उसका भी तो डर। सब लिख रहे गंदा बेबी, गीत गंदी, सब कह रहे गंदा बेबी। क्या नहीं तो आप क्यों हटा रहे हो, देखो एक और बेबी आएगा, उसका भी तो वो है ना चेयर। चेयर किसकी है, और बेबी की नहीं। देखो बेबी कैसा दिख रहा है आपको, बेबी प्लीज कर रहा है। कहाँ हटो, देखो फ्रेंड तीनों बच्चे अभी से लड़ रहे हैं। वो देखो उस चेयर की लड़ाई चल रही है, ये भी चेयर किसकी है, और गीत उसको, गीत उसको भगा रहे। रीत ऑलरेडी पहुंच गई, मीत भी जा रही है, मीत भी आ रहे बेटा, मीत भी चढ़ेगी, ऐसे नहीं करते धक्का। दोस्तों फिर पहुंच गए, वो देखो वो फिर रीत गुस्सा करेगी। मीत मीत भी वही है, तीनों वही खेल रहे हैं, रीत ऊपर खेलने लगी इस चक्कर में। गीत क्या कर रहे हो, गीत आपके पीछे कौन है दोस्तों? गीत खड़े होके ऊपर इसलिए खेलती है कि नीचे उसके खिलौने ना गिरे, ना ना गिरे मुंह में ना ले, इसलिए इसीलिए वो कुछ बना रहे, उसके हाथ में स्पून है। क्या कर रहा है, छुपके रखी जेम, जेम छुपा रहा है, दिखाते रुको दोस्तों। ओ बाप रे, जेम छुपा रखा है यहाँ, कोई देखता ही नहीं है तो। अरे वाह, दोस्तों एक पैकेट लाके दिया, पता नहीं कितने दिन से छुपा के रखी है इसने, रोज एक एक आधी आधी खाती है ना। अब खाते हो, कभी कभी खाती है मेरा बच्चा हमेशा, देखो अभी से सेविंग करता, लव यू बेटा। देखो ये खड़ी हो गई, खड़े रहने बेटा, आपको कुछ नहीं करेगा, आप भी खड़े हो वो भी खड़ा है ना खेलने। देखो रीत मानेगी नहीं, रीत भी ऐसी लड़की है मानेगी नहीं दोनों ऐसे घूम रहे जैसे पता नहीं क्या हो तुम दोनों यार। आ रहा है आपका बेबी, झूला झूल रहा है, सेल थोड़ा कम। तो फ्रेंड्स अभी गीत ने कुछ बनाया है और वो पापा को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रीत भी यहीं बैठी है और पापा आ गए, आ जाइए मालवे जी, पापा को दिखाओ क्या, कम कम। अरे वाह, प्लेग्राउंड बना दिया आपने, गीत चलाओ ना। अच्छा चलाओ, इतनी ढीला मत, रियली में बेबीज है,
बेबी झूला झूल रहे, गीत दिखा कितनी खुश है। रियली में काम करता है यार, काश मेरे बच्चों ने ऐसे आया यार। ओ सब झूला झूल रहे बेबीज। गीत को बोलो ना, गीत वेरी गुड बेटा, और अच्छे से करो ना। वो एक्साइटेड है। यस हाई फाइव, हाई फाइव। किसने किया ये गीत ने? यस वेल डन। ये कौन है? रीत है। रीत डिस्ट्रॉय करने बैठी है। रीत, रीत गीत कैसा है बेटा? अच्छा है? तो रचना की चल रही है डाइटिंग, स्ट्रिक्ट डाइटिंग पार्ट वन, मतलब पार्ट वन है ये। कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा पता नहीं। तो आज उसके ही प्रोसेस में हम खा रहे हैं आज वेजिटेबल चीला। इसमें वेजिटेबल है, गाजर है, क्या क्या रचना थोड़ा सा बताओगी? आपकी इतनी साली इतनी सुंदर दिख रही है, हमारी हमारी वाली खाली खाली दिख रही। तो रचना थोड़ा सा बताओ विस्तार में खाना खा गए कि क्या वाकई में हो पाएगा इस बार? कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, हार नहीं माननी चाहिए। हार तो कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से हार गए तो दूसरा तो हरा ही देगा आपको। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि रचना ये डाइटिंग ऐसी कर रही, नहीं, इस बार प्रॉपर प्लानिंग से हो रही है, पूरा चार्ट बना है। और अगर इसमें रिजल्ट आता है, डाइटिंग प्लस कुछ एक्सरसाइज भी है धीरे धीरे, क्योंकि उसके नीज कमजोर हो चुके हैं, उसके जॉइंट पेन करती है, तो उस हिसाब से काफ़ी रिसर्च करी रचना ने पिछले दो दिन से, और उसके अकॉर्डिंग ही कर रही है। ऐसा नहीं है इस बार मुझे लगता है कि कर लेगी। वेट लॉस करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बगर जब घर में कोई सपोर्ट नहीं हो, बच्चे छोटे छोटे हों, तो आप महिला समझ सकती हैं हम मर्दों से ज़्यादा कि कितना मुश्किल होता है ना। दूसरा जो कह देते हैं कि यार पतले हो जाओ यार, ये कर लो यार, वो कर लो यार, हर्बल लाइफ ले लो यार, ये ले लो वो ले लो, ये सब कहने और सुनने की बात है। जब करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे आते हैं तो वेरी डिफिकल्ट होता है। तो इस बार देखते हैं, उम्मीद है माता रानी साथ दे तो हो जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करूँगा। तो प्रॉपर चार्ट बना है, प्रॉपर गाइड कह रहा हूँ, पूरा तरीके से हो रहा है ना। तो इन फ्यूचर अगर इसका रिजल्ट मिलेगा तो हम पूरा शेयर करेंगे। तो दोस्तों सुबह जल्दी आते हैं दूध वाले भाई साहब। तो रात के बज रहे हैं 12:30, तीनों सो गए हैं बच्चे और एक उनकी बच्चों की अम्मा मम्मी और रचना। रचना 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 में बहुत गर्व भी होता है और कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। अभी ये मैं हस्बैंड उसी ऐसा कह रहा हूँ, नहीं तो गर्व ज़्यादा होता है कि अकेले इतना मैनेज कर रही है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, और थोड़ा टाइम लूँगा, धीरे बोलूँगा, रात के 12:30 बजे ना, तो मैं तेज़ नहीं बोल सकता, बोरिंग ना लगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सनी क्या करता है, सनी आपको डर देगा, आपको पेन देगा, आपको मोह माया छुड़वा देगा, बहुत परेशान करेगा, मेंटली परेशान करेगा। जैसे ये सनी के गुण हैं, जब सनी इन सब से आपको सिखा देता है तो बहुत माला माल करता है। सनी का दिया हुआ आदमी नेता है, अभिनेता है, या कोई किसी चीज़ में भी है जो आज बहुत फेमस है, तो सनी की वजह से है, क्योंकि लंबा चलता है उसका पैसा। दो राहू की तरह नहीं कि एक दिन दिया दूसरे दिन वापिस ले लिया। कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ सेलिब्रिटी या फैम नेता होते हैं या कोई और भी होते हैं स्पोर्ट्समैन, कुछ दिनों के लिए उनको शोहरत मिलती फिर चली जाती है, मगर सटन के साथ ऐसा नहीं होता। सनी जब देता है बहुत लंबा चलता है, आपका कई सालों तक आपका नाम लोग याद रखते हैं। उस लायक बनना पड़ेगा। अगर देखें हम गांधी जी को कितना सेक्रीफाइस करने होंगे, आज हम गांधी जी को जानते हैं, या और भी जितने भी सेलिब्रिटी रहे होंगे जिनको हम मानते हैं, तो वो तब के निकले, तो वो सनी यही कराता है। तो डरे नहीं, अगर आप सनी से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। सनी आपके अगर फिफ्थ हाउस में गोचर कर, क्योंकि देखो दोस्तों महादशा अंतरदशा के साथ एक गोचर को भी देखना जरूरी होता है कि गोचर आपके कहाँ चल रहा है। कुंडली बेशक बहुत अच्छी होगी, मगर समटाइम गोचर अच्छा नहीं होता। तो सनी अगर एक राशि में 2.5 साल रहता है तो 2.5 साल वो कष्ट दे सकता है। अष्टम हाउस में अगर है तो कष्ट देगा, 9वें हाउस में भी है तो देगा। आप हम आपको क्या बता सकते हैं कि आपको उससे रिलेटेड काम करने हैं, है ना, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड, तो आपको वो पेन उतने फील नहीं होंगे, है ना, या आपको वो मज़ा आने लगेगा वो काम करने में, क्योंकि हम वैसे ही उपाय देते हैं। और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी कमेंट करें, जिन्होंने कुंडली दिखाई है उनको भी अगर कुछ अच्छा लगा है तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी बता सकते हैं कि हमने जो जो टाइम दिया था, अभी तक मुझे याद है रचना मेंटेन कर रही है वो डायरी, कि हमने जो प्रेडिक्शन दिया था वो कितना सही हुआ। 1-2 लोगों के तो हो ही गए होंगे। तो कमेंट करना, बजे रात के 12:30 आप सोते हैं, और गुड नाइट दोस्तों। मैं तो नहीं सोऊंगा, मगर ये ब्लॉग खत्म करूँगा। जय माता।